फिल्म तारी जमी पर यहां से स्टार्ट होती है जहां पर टीचर रिजल्ट अनाउंस करता है। टीचर रिजल्ट जब अनाउंस करता है तो एक बच्चा जो ईशान है उसका रिजल्ट फेल 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 आता है, जबकि दूसरे बच्चे जो हैं किसी के 24 out of 25 और ईशान के 2 out of 25 ऐसे रिजल्ट अनाउंस होते। ये सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए फेल शुरू में आ रहा है तो यहां से ही हमारी टीचिंग लर्निंग का फोकस शुरू होता है कि बच्चा फेल क्यों हुआ है। ये सीन बता रहा है कि कैसे जो सिंबल्स हैं उनकी शेप है वो एक दूसरे में कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, एक्चुअली ब्रेन में हो रही है, जो हमारे टॉपिक का कारण बनेगा, जो टॉपिक का बेस बनेगा। सॉरी, फॉर एग्जांपल ईशान के 2 मार्क्स हैं और वो फेल है, ठीक, बाकी क्लास की रेंज जो है इतनी ज्यादा है। इट मीन्स ईशान को जनरली बैकवर्ड चिल्ड्रन और स्लो लर्नर कहा जा सकता है, लेकिन स्लो लर्नर या बैकवर्ड है या एक्चुअल कारण उसका कोई और है, वो कारण जो है वो इसकी स्लो लर्निंग का बन रहा है। हम जानते हैं कि वो कारण जो है LD है, लर्निंग डिसएबिलिटी और लर्निंग डिसऑर्डर, जिसके कारण ये परफॉर्मेंस इतनी लो जा रही है। एक्चुअल में हमें पेडागॉजी सब्जेक्ट में ये जान लेना जरूरी होता है कि बच्चे की लो परफॉर्मेंस जहां फेल होने का एक्चुअल साइंटिफिक कारण क्या है, जिसे हम डायग्नोस्टिक प्रोसेस कहते हैं। 3 टर्म्स हैं जिनको जान लेना जरूरी है जब हम LD की बात कर रहे हैं। LD मीन लर्निंग डिसएबिलिटीज, S जन लर्निंग डिसऑर्डर्स, इसका मतलब है कि लर्निंग डिसएबिलिटी एक लर्निंग डिसएबिलिटी एक टर्म नहीं है, एक डिसएबिलिटी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिसएबिलिटी है। दैट इज वाई इसको एक अम्ब्रेला टर्म भी कहा जा सकता है। ओ, इसमें कौन सी डिसएबिलिटीज शामिल है, क्या ये जो अम्ब्रेला में दिखाई गई है भाई ये सारी शामिल है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि डिसएबिलिटी का मीनिंग क्या है। उससे रिलेटेड जो 2 टर्म्स हैं इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप, इनको हम जनरली सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल है कि एक बच्चे की मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, उसकी लेग पर चोट लगी है, इट मींस ऑर्गन लेवल डिस्टर्ब हुआ है, डैमेज हुआ है, दिस इज एम्पेयरमेंट एग्जांपल ऑफ। अच्छा, लेग से उसकी फंक्शनिंग क्या डिस्टर्ब हुई है, वॉकिंग, अब वो वॉक कम कर सकता है, ठीक, तो ये पर्सन लेवल पर डिस्टर्बेंस जो है ये हो गई डिसएबिलिटी। तो पर्सन लेवल की डिसएबिलिटी की पर फोकस करना है जब लर्निंग डिसएबिलिटी की बात करते हैं। अच्छा, ये जो वॉकिंग है इसने आगे क्या किया, आगे इसने उस बच्चे के इंटरेक्शन को, सोशल रिलेशन को, सोशल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब किया। इट मींस थर्ड लेवल है सोशल लेवल जिस पर डिस्टर्बेंस हुई और इसको कहते हैं हम हैंडीकैप। अच्छा, ईशान के इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको स्लो लर्नर, बैकवर्ड लर्नर, कई बार मेंटली रिटार्डेड भी कहा जाता है, क्या ये सच है? अच्छा, फिल्म में ईशान की प्रॉब्लम्स कौन सी दिखाई गई हैं? ये आपके सामने हैं। जैसे वो 4 को write 4 ये है, लिख ऐसे रहा है, ठीक, जैसे वो P को उल्टा 9 लिख रहा है या रीड कर रहा है, ठीक। ये जो प्रॉब्लम्स है उसकी कैलकुलेशन की है, ये लेटर्स की है, एक कैलकुलेशन की देख सकते हो, कैलकुलेशन गलत कर रहा है, ठीक। इसके अलावा उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, इसके अलावा उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है कि वो अपनी टाई आप खुद नहीं बांध सकता, ठीक है, अपने जो कमीज के बटन है वो नहीं लगा सकता, ठीक है, अपने वो लेसेस हैं शूज के वो टाई नहीं कर सकता, अच्छा वो सीजर से सही तरह से काम नहीं कर सकता, ठीक। एक सीन ऐसा आता है कि वो किसी बच्चे की तरफ बॉल फेंकता है, बॉल इस तरफ फेंकनी होती है लेकिन इस डायरेक्शन को चली जाती है, ठीक, इट मींस वो स्पीड और डिस्टेंस को और डायरेक्शन को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, ठीक, तो ये प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम आप देखते हो कि फिर उनकी जो उनके पियर होते हैं, बच्चे होते हैं साथ में खेल रहे हैं, उनके साथ लड़ाई हो जाती है, तो सोशल प्रॉब्लम आ गई जो डिसेबिलिटी के हैंडीकैप की तरफ लेके जाती है।
सो ये फिल्म में कैलकुलिया कैलकुलेशन की प्रॉब्लम, रीडिंग की, स्पेलिंग की प्रॉब्लम, राइटिंग की प्रॉब्लम, लिसनिंग और स्पीकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं बताएगी, मोटर एक्टिविटीज की प्रॉब्लम बताई गई है। ठीक, इसके साथ अब ये देखना है कि अच्छे एजुकेशन सिस्टम ने ये देखना है कि ईशान क्यों फेल हो रहा है, क्या उसका आईक्यू लो है। लेकिन जब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाता है ऑरली तो वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेता है, इट मींस उसका आईक्यू लो नहीं है, इवन उसकी क्रिएटिविटी हाईली एक्सीलेंट है, गिफ्टेड चिल्ड्रन की है, स्पेशल विजुअल स्पेशल जो इंटेलिजेंस है उसकी हाई है क्योंकि उसकी आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या उसको स्लो लर्नर कहा जा सकता है? स्लो लर्नर वो होता है जो अपने पीयर या अपनी नेचुरल एबिलिटी से, जो उसकी नेचुरल एबिलिटी है उससे वो लो परफॉर्म करे। ठीक, उसकी नेचुरल एबिलिटीज है लेकिन वो लो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसकी जो आईक्यू लेवल है वो डाउन नहीं है। ठीक, हाँ, स्लो लर्नर या बैकवर्ड लर्नर या अपनी एबिलिटी या पीयर से डाउन परफॉर्मेंस दिखाने के और कई कारण हो सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअली इंपेयरमेंट हो सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट, फिजिकल कॉज हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, डेवलपमेंटल कॉज हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस, जो मल्टीलिंगुअलिज्म, ये कई सोशो इमोशनल कॉज बन सकते हैं, ये सारे कॉज स्लो लर्नर के बन सकते हैं। पर यहां क्या ईशान को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? नहीं है। क्या विजन उसकी ठीक काम कर रही है? बिल्कुल ठीक काम कर रही है। कान उसके ठीक काम कर रहे हैं, मतलब कि वो हियरिंग इम्पेयर्ड तो नहीं है, वो फिजिकली इम्पेयर्ड तो नहीं है, इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं है, मतलब कि इमोशनल डिस्टर्बेंस करके उसके मार्क्स कम तो नहीं हो रहे, डाउन आ रहे, जब डाउन आने के कारण सोशल प्रेशर के कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है, इस बात को समझना है। ठीक, यहां फिल्म में क्या होता है कि डाउन मार्क्स आ रहे हैं, उस पर स्ट्रेस डाला जाता है, सोशल प्रेशर डाला जाता है, दैट इज व्हाई वो सोसाइटी से उसको दूर कर दिया जाता है, तब इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है। अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण स्लो डाउन हो जाता है, उसकी लर्निंग डाउन होती है, तो वो स्लो लर्नर है। कहना मैं ये चाहता हूं, अगर ऐसे किसी भी कारण से नॉर्मल बच्चे की लर्निंग डाउन जाती है तो वो स्लो लर्नर है, पर उसका कारण तो ऐसा कोई नहीं है कि पर इनमें से उसका कोई कारण नहीं है। अब फिल्म में जो परफॉर्मेंस लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन ईशान की लो दिखाई गई है उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन वो है जिसमें कारण जो शामिल नहीं है इस कंसेप्ट में, जो कारण शामिल नहीं है वो कौन से हैं? मीन के लो आईक्यू के कारण अगर परफॉर्मेंस डाउन जाती है, बच्चा फेल होता है, तो उसे मेंटली चैलेंज या मेंटली रिटार्डेड पहले शब्द यूज किया जाता था, जिसकी जिसका आईक्यू इवन 70 से भी कम होता है। ठीक, क्या मेडिकल कॉज कोई होता है जिसके कारण लर्निंग स्लो हो जाती है? अगर मेडिकल कॉज के कारण होता है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ईशान को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर विजनी एम्पेयरमेंट है तो डाउन होता है? नहीं, उसकी जो विजन बिल्कुल ठीक काम कर रही है, दैट इज वाई ये भी नहीं है, उसकी सुनने की शक्ति बिल्कुल ठीक काम कर रही है, फिजिकल प्रॉब्लम उसे कोई नहीं है, इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण डाउन नहीं गया, कल्चरल डिफरेंस के कारण और एक डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट होती है उसके कारण उसकी जो परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाने के या उसके फेल होने के ये कारण नहीं है, दैट इज वाई कोई और कारण है। इट मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी में जो परफॉर्मेंस लो जाती है, जो रीडिंग राइटिंग कैलकुलेशन स्पीकिंग की प्रॉब्लम आती है, मोटर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है, वो इनके किसी के कारण नहीं होती, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक, तो वो किसके कारण होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी का कॉज ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है।
साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, ब्रेन फंक्शनिंग के कारण होता है, ये कारण उसके नहीं होते। ये मैंने जानबूझकर, अब हमने ब्रेन न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को समझना है, ये मैंने जानबूझकर ये ब्रेन को बड़ा बनाया है उसको दिखाने के लिए। ये जो पी निशान पड़ता है इसको वो ऐसे क्यों रीड कर लेता है? सबसे पहले वो पी को आंखों से देखता है, आंखें उसकी ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके है, ठीक आंख ओके है, इट मीन सेंसरी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं है, इट मीन लर्निंग डिसेबिलिटी में सेंसरी प्रॉब्लम शामिल नहीं है, वो इस कंसेप्ट से बाहर है। जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में चलती है तो उसने फिर क्या जाके करना होता है, मीनिंग बनाना होता है, यहां गड़बड़ होती है। मीनिंग बनाने के लिए ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये मैंने जानबूझकर 1 2 3 4 लिखा है। वो स्पेसिफिक पार्ट कौन से हैं ये डिपेंड करता है कौन सी प्रॉब्लम को परसीव किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका मीनिंग बनाने के लिए पार्ट 1 2 3 4 को इंटेग्रेटेड कनेक्ट होके लिंक होके काम करना है। तो क्या हो रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी में जब ये मीनिंग बनाना होता है, परसीव करना होता है, तो ये ऑर्गन जो मैसेज भेजते हैं ये मैसेज न्यूरॉन से भेजे जाते हैं, ठीक। तो वो वहां गड़बड़ हो जाती है कि वो जहां तो ये लिंक स्थापित नहीं कर पाता, जहां न्यूरॉन का कोई और फंक्शनिंग में गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण ये मीनिंग पी का क्यू बन जाता है, ठीक। अब ये मीनिंग को स्टोर करना होता है, ठीक है, स्टोर करके फिर जब चाहो आपने रिट्राइव करके, रिट्राइव मीन रिकॉल करना, जैसे फ्रिज में स्टोर कर दी, फ्रिज में से वापस निकालनी है, वापस कब निकालनी है, जब ईशान को टीचर कहता है कि इसको रीड करो, इसको राइट करो, पी राइट करो, पी राइट करने से वो ये लिख देता है, फोर लिखने को वो फोर ऐसे लिख देता है। तो क्यों, क्योंकि जब ये यहां पर न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ हुई, वो स्टोर भी उसके माइंड में वैसे ही हो गया, और जब रिट्राइव किया तो वो फोर को ऐसे ही कर रहा है, जब नाइन करना है या पी को करना हो नाइन उसको लिख देता है। तो ऐसे ही ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर देता है, ऐसे ही ये मोटर कोऑर्डिनेशन, जैसे उसने बॉल फेंकनी है तो उसने बॉल किधर फेंकनी है, उसने फाइन मोटर स्किल, वैसे कंसेप्ट में फाइन मोटर स्किल्स हैं, बेशक फिल्म में ग्रॉस मोटर स्किल भी एक दिखाई गई है, लेकिन डोमिनेट फाइन मोटर स्किल ही करती है इस लर्निंग डिसएबिलिटी के कंसेप्ट में। हम ये जानते हैं कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट वर्ल्डली एक्सपीरियंस के लिए काम करते हैं। अब ये इसमें से लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन से वो पार्ट हैं वो भी हम देख सकते हैं। मोटर कंट्रोल जो है यस, स्पीच है यस, हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होती, डोमिनेट नहीं करती, ओके, बॉडी अवेयरनेस है यस, थोड़ा सा है, लैंग्वेज है, रीडिंग बहुत ज्यादा है, विजन भी है, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये और लर्निंग डिसेबिलिटी सेम है या डिफरेंट है। मोस्टली जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो आपको ये टर्म दिखा दी जाती है, जब आप इंटरनेट पर देखते हो अम्ब्रेला टर्म कहा जाता है, उसके नीचे आपको 7 8 जो इसकी लर्निंग डिसेबिलिटी के जो डिसेबिलिटीज गिरा दी जाती है, लेकिन टेक्निकली इसमें जो शामिल है वो है लेक्सिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर ये फिल्म भी बनी है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से, डिसग्राफिया ग्राफ मीन राइट करना राइटिंग से, डिसप्रेक्सिया मोटर से, और डिसफेजिया स्पोकन लैंग्वेज से जो डिसेबिलिटी है। ये जो बाकी डिसेबिलिटी बनती है विजुअल है या परसेप्चुअल है, या विजुअल मोटर डिफिसिट है, या नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर है, या सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग है, ये इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है, लेकिन इनके कारण या इस कैटेगरी को लर्निंग डिसएबिलिटी में जिसकी ये दिखाई गई है अम्ब्रेला दिखाया गया शामिल नहीं है। इट मीन्स डायरेक्टली अगर हाई लेवल पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पर क्रॉस आएगा,
ये क्रॉस आएगा, ठीक। इसमें सिर्फ ये पांच टर्म शामिल है। हाँ, इनमें रिलेशन क्या है, क्योंकि एसोसिएटेड है मीन के जब लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है तो वो हो सकता है कि उसको थोड़ी ये प्रॉब्लम या थोड़ी ये प्रॉब्लम या थोड़ी ये या थोड़ी ये प्रॉब्लम हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस टर्म में ये पांच चीजें ही शामिल की जाती हैं, सिंपली मैथ्स एंड लैंग्वेज प्लस मोटर। और आप देख सकते हो कि हर टर्म में जो लर्निंग डिसेबिलिटी है बार बार डीवाईएस डीवाईएस शब्द प्रीफेस यूज किया गया है। डीवाईएस का मतलब है डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये मेडिकल टर्म नहीं है, डिफिकल्टी मीन डिफिकल्टी इन रीडिंग, ये हो गया रीडिंग, ठीक। ये याद करने के लिए कैलकुलिया कैलकुलेशन से, वो मैथ्स में होती है जब कैलकुलेशन, वो हो गया। डिसग्राफिया ग्राफ को याद रखिए, ग्राफ हम बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ही लिखते हैं, इससे आप राइटिंग जोड़ सकते हो। डिसप्रेक्सिया, प्रेक्सिया से कोई संबंध नहीं बनता, लेकिन ये मोटर से कोऑर्डिनेशन जो है, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन की। डिस्फेजिया का एस ले लीजिए, एस से स्पीकिंग मैंने ऐसे याद रखा है, तो स्पीकिंग रिलेटेड या स्पोकन लैंग्वेज के साथ डिसेबिलिटी। अब ये जान चुके हैं कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट सेंसरी एक्सपीरियंस या वर्ल्डली फिजिकल वर्ल्ड के मटेरियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें से है नंबर एक मोटर कंट्रोल के लिए ये वाला पार्ट काम कर रहा है, स्पीच के लिए ये वाला पार्ट काम कर रहा है, हियरिंग के लिए ये वाला पार्ट काम कर रहा है, ओके, विजन के लिए ये वाला पार्ट काम कर रहा है, रीडिंग के लिए ये वाला पार्ट काम कर रहा है, और लैंग्वेज के लिए भी ये वाला पार्ट ही काम कर रहा है, बॉडी अवेयरनेस के लिए ये वाला पार्ट काम कर रहा है। तो कोई भी हमने काम करना है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो पार्ट काम कर रहा है, तो इन्होंने मिलके काम करना होता है, क्योंकि एक से एक संबंध नहीं है। सिर्फ जो एक्सटर्नल टास्क है जो कर रहे हैं, रीडिंग राइटिंग मोटर एक्टिविटी कोई भी है, तो ये मिलके काम करते हैं। मिलके काम करने के लिए इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं कि ये मैसेज जो न्यूरॉन्स अंदर 100 बिलियंस न्यूरॉन्स है हमारे, वो न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, मैसेज देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। जो मैसेज ज्ञान इंद्रियों से, आईज से, आंख से अंदर गया है, वो आगे ट्रेवल करता है, ट्रेवल करके वहां तक पहुंचता है। जब वो ट्रेवल करता है तो वहां जो गड़बड़ होती है, वहां लिंक स्थापित नहीं होता, वहां कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वहां डिस्टर्बेंस हो जाती है न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, दोनों मिक्स भी हो सकती है, ठीक। तो वहां पर गड़बड़ होती है। अब देख लीजिए कि ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हमारे जो ब्रेन है उसमें ये जो लाइट्स दिखाई गई हैं, ये सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं है। मैंने जैसे बताया कि 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स हैं, तो वो ऐसे एक नेटवर्क बना के बैठे हैं। ये नेटवर्क एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, नेटवर्क मैसेज भेजता है, वो अगर मैसेज सही स्पीड से ऐसे 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 सही स्पीड से और एक्यूरेसी से पहुंचता है, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस एक्यूरेट होती है। लेकिन जो लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन है उसके ये जो न्यूरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सही रूप से प्रोसेसिंग नहीं होती। क्या होता है, न्यूरॉन्स करते क्या है, अब ये न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं उसको करोड़ों गुना बड़ा करके दिखाया गया है। वो न्यूरॉन जो एक आंख से देखा नहीं जा सकता उसको बड़ा करके दिखाया जाता है, तो वो ऐसे होता है। और वो कम्युनिकेट कैसे करता है, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, उसको देख सकते हैं। सिर्फ एक न्यूरॉन, उसने नेक्स्ट को मैसेज देना है, ऐसे मैसेज आगे चलता है। यहां पर इस प्रोसेस में ऐसे मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए आगे चलता है और एक जगह आती है
कि यहाँ पर एक और दूसरे में थोड़ा गैप होता है, जिसको ये गैप है, ये गैप भी केमिकल रिएक्शन से देखिए इंफॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जा रही है, और ये इंफॉर्मेशन अगर स्पीड से जा रही है, अगर ये बहुत ही एक्यूरेसी से जा रही है, जो इंफॉर्मेशन बाहर थी, बाहर पी थी और अंदर जाके नाइन बन जाएगी, यहां पर गड़बड़ होती है। तो ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंटिन्यू जा रही है। अगर कोई इंफॉर्मेशन बार 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 प्रोसेस होती है, उससे क्या होता है हमारे ब्रेन में, वो कनेक्शन पक्का हो जाता है, जैसे हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में पढ़ा था। जो इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट होती है, वो ये न्यूरॉन्स के लिए बार बार वो इजी होता है, हर बार वो इंफॉर्मेशन आती है वही न्यूरॉन से वो जाती है, तो वो उसके लिए एक आसान रास्ता, जहां वो रास्ता पक्का हो जाता है, वो कनेक्शन जुड़ जाता है, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी में इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा था। तो उन्होंने भी न्यूरॉन्स के कनेक्शन के साथ, कनेक्शनिज्म है ना कहते हैं उनकी थ्योरी को, इवन लर्निंग की थ्योरी को, वो लर्निंग भी ऐसी होती है कि वो उन्होंने कहा था कि इंटरनली हमारे न्यूरॉन्स में कनेक्शन बन जाता है। तो अब ये क्या है, ये जो पी थी, ये लर्निंग डिसेबल्ड ने उसको नाइन पढ़ा, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स में गड़बड़ हो गई, न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में गड़बड़ हो गई। अब ये सेंट्रल है लर्निंग डिसेबिलिटी के कंसेप्ट में, कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर क्या है। नंबर एक, लर्निंग डिसऑर्डर जिससे हम डिफिकल्टीज हैं किसी एरिया में फील कर सकते, बच्चा फील करता है, वो एरिया कौन सा है, कैलकुलेशन का हो सकता है, दैट इज वाई उसे डिसकैल्कुलिया कह दिया गया। रीडिंग में स्पेलिंग में है, उसे डिसलेक्सिया कह दिया गया। राइटिंग में है, उसकी हैंड राइटिंग पुअर है, ईशान की शुरू में जो मैंने दिखाई थी, उसके स्पेलिंग मिस्टेक हमने देखे हैं, उसकी कॉम्पोजिशन देखी है, ग्राफ या डिसग्राफिया हो गया। लिसनिंग और स्पीकिंग में मेन जो है, इसको डिसफेजिया, फेजिया, एस एस इसका ले लीजिए और एस से स्पीकिंग से साथ जोड़ लीजिए, पहले भी बात कर चुका हूं। इसको लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, ये बात नोट करने के लिए है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइनिंग के लिए है। और एक डिसेबिलिटी जो मोटर से है, ये सारी रीडिंग सॉरी लैंग्वेज से होगी, मैथ से होगी, ये फाइन मोटर स्किल से होगी। फाइन मोटर स्किल जिसमें हम अपने छोटे जो ऑर्गन है यूज करते हैं, जैसे फिंगर्स हैं, लिप्स हैं, इसको यूज करते हैं, कुछ काटना है, बटन लगाना है, टाई लगाना है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स की एग्जाम्पल है जो बात पहले कर आए हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं प्रैक्सिया, प्रैक्सिया ये आप उच्चारण करके कर सकते हो। अच्छा, अब ये समझना है कि ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के कंसेप्ट में डायरेक्टली शामिल है, लेकिन ये जो आपको मिलते हैं एडीएचडी, एपीडी एंड वाईपीडी, ठीक है, ये रिलेटेड या एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं, जो जनरली क्या होता कि ये बच्चे होते हैं उनमें कभी 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 और कम ये पाए जाते हैं, ठीक है। आप ईशान की फिल्म आपने देखी है, तो ईशान को एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर नहीं है, विजुअली परसेप्शन डिसऑर्डर या विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर नहीं है। तो मतलब फिल्म में ये बस एक कैलकुलेशन, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और मोटर ये दिखाए गए हैं। अब इन कंसेप्ट में डिफरेंस समझ लेना चाहिए कि एडीएचडी और लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या फर्क है। पहले एडीएचडी को समझ लें, ये जब भी ये कंसेप्ट आता है आपने अटेंशन देखनी है कि बच्चा किसी भी काम पर उसका जो अटेंशन स्पैन है जहां उसकी कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक। इसके साथ ये आपको साइन हमेशा मिलेगा जब भी ये डिसेबिलिटी कहीं लिखी मिलती है, क्यों होता है कि ये जरूरी नहीं है कि जिसका अटेंशन डिफिसिट हो उसके वो हाइपर एक्टिव भी होगा।
हाइपर एक्टिव क्या होता है? हाइपर मीन बहुत ज्यादा, एक्टिव मीन तेज। इट मीन वो बच्चा कभी भी टिक के नहीं बैठेगा, क्लास में होम में इधर उधर भागता ही मिलेगा, डिस्टर्ब करता मिलेगा। वो एक्शन जो बिना सोचे समझे करता है, इसको इम्पल्सिव एक्शन भी कहा जाता है। इम्पल्सिव मीन विदाउट थिंकिंग जो आप डूइंग करते हो, ठीक। तो ये अटेंशन की प्रॉब्लम मेन है, ठीक। उसके साथ हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, तो ये इसके कारण भी लर्निंग डिस्टर्ब होती है। ऐसे बच्चों को शरारती या टीचर भी क्लास से बाहर निकाल देता है, पेरेंट्स भी नेबरहुड से भी बाहर। तो ये बच्चे नेचुरली इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। इमोशनली डिस्टर्ब होने से रिजेक्शन, जो वर्ड यूज किया जाता है, पीयर ग्रुप रिजेक्शन, तो इनकी नेचुरली है डिप्रेशन में, सैडनेस में जाना शुरू कर देते हैं। लर्न हेल्पलेसनेस, इनमें डेवलप कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं, जिनके कारण लर्निंग फिर इफेक्ट हो गई। तो ये प्रॉब्लम कोई और थी लेकिन लर्निंग के साथ जुड़ी हुई है, ये प्रॉब्लम कोई और है लेकिन लर्निंग के साथ जुड़ गई, ये प्रॉब्लम भी कोई और है लेकिन लर्निंग के साथ जुड़ गई। और डीपली परसेप्चुअल का मतलब है कि अब बच्चे के कानों में प्रॉब्लम है, अब कान में प्रॉब्लम है प्लस ब्रेन, और कान और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन नहीं है जिसके कारण वो किसी ध्वनि को सही तरह से सुन नहीं पाता। लेकिन यहां पर उसके कान सही काम कर रहे हैं, लर्निंग डिसेबल्ड के ईशान के कान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन वो अंदर ब्रेन के जो न्यूरोलॉजिकल है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग, उसकी परसेप्शन, उसका जो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है, उसमें गड़बड़ कर देता है, ठीक। ऐसे ही विजुअल परसेप्चुअल डिसऑर्डर है, जिसको जो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जैसे यहाँ कान ठीक है, वहां बच्चे की आंख ठीक है, तो ये भी मतलब आंख बच्चे की ठीक है यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी। लेकिन वीपीडी में बच्चे की आंख और ब्रेन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो क्या है कि किसी लेटर को सही तरह से देख नहीं पाता, किसी शेप को सही तरह से देख नहीं पाता, किसी ऑब्जेक्ट को सही तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पर बाहर से तो इन्फॉर्मेशन आंख तक से तो ठीक ठाक जा रही है, लेकिन ब्रेन में जाके लर्निंग डिसेबिलिटी भी जाके गड़बड़ होती है। और अच्छा, बड़ा एक क्लोज डिफरेंस है कि जो डिसलेक्सिया और विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो जो एक मिनट, हाँ, जो डिसलेक्सिया है उसमें बच्चा एक लेटर और उसकी साउंड में कनेक्शन नहीं बना पाता, लेटर के साथ साउंड को जोड़ नहीं पाता, लिंक नहीं कर पाता, ठीक है। दैट इज फॉर एग्जांपल पीईटी को पीएटी वाली साउंड में रख लेता है, ठीक। तो लेकिन यहां पर क्या है कि वो लेटर को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया सही से। तो ऐसे ये क्लियर है कि लर्निंग डिसेबिलिटी में ये टर्म शामिल है और ये टर्म्स उसके साथ एसोसिएटेड है। अब इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ये जो रिलेटेड और एसोसिएटेड डिसऑर्डर हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑडिटरी परसेप्चुअल डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्चुअली डिसऑर्डर, ये इनसे एसोसिएटेड है लर्निंग डिसेबल्ड से। इट मींस क्या है कि अगर बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है तो उसे प्रोबेबिलिटी है कि उसे ये वाला भी थोड़ा सा सिम्टम हो या ये वाले भी फीचर हो जो एडीएचडी के हैं, या उसको एपीडी के वीपीडी के भी सिम्टम हो। अगर बच्चे को अटेंशन डिफिसिट की, ये दूसरी बात है, ये अगर बच्चे को अटेंशन डिफिसिट या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या ऑडिटरी परसेप्चुअल या वीपीडी की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लर्निंग डिसेबल्ड ही होगा, ठीक। इसको हम डायग्राम के से एक तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है कि ऑडिटरी प्रोसेस डिफिकल्टीज हैं, ठीक, जो पीछे एक डिफिकल्टी की बात करके आए हैं। तो मेजर ये और कोई भी डिसेबिलिटी इसके साथ जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक। यहां पर ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है,
जिसमें ये थोड़ा सा एरिया कवर किया गया है। इट मीन्स के इतना रिलेशन जो है इसका लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है। इसके अलावा आप और ये चलो ओसीडी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अच्छा एडीडी, ठीक अभी बात करके आए हैं, एडीडी अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, यहां पर हाइपर एक्टिविटी नहीं है। अच्छा गिफ्टेड भी ये हो सकते हैं, इतना पोर्शन उनका साथ में दिखाई दिया है। अच्छा एडीएचडी, ठीक तो मतलब इनका थोड़ा रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहां ये बात पक्की कर ले के लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये तीनों नहीं है। जब लर्निंग डिसेबल्ड कोई बच्चा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हो सकती है, लेकिन ये टर्म टेक्निकली अलग अलग हैं। इंटरनेट पर गूगल पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एमसी क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो इतने काबिल हमारे जो टेट के एग्जाम या स्टेट टेट के या सेंटर टेट के नहीं है कि इन्हें इतने इन डेप्थ का कोई क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ यूजीसी नेट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक बात और देखिए, ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा होती है, पीछे मैं डिस्कस करके आया हूं कि मोटर डिसेबिलिटी जिसे प्रेक्सिया डिसप्रेक्सिया, ठीक है इसने रखा था DYS, ठीक है इसका मतलब है डिफिकल्टी, और मोटर को इसमें रखा गया था। जब कई बार आप पढ़ते हो कि नॉन वर्बल जो डिसऑर्डर है, ठीक है दो तरह की इंफॉर्मेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में वो सारी लैंग्वेज की आ गई, नॉन वर्बल में जब और भी शामिल कर ली जाती है, विजुअल स्पेशल और सोशल स्किल भी शामिल कर लिए जाते हैं। कई स्कॉलर्स इसको तीनों को इकट्ठों को डिस्कस करते हैं, तो यहां सिर्फ मोटर प्रेक्सिया नहीं रही, प्रेक्सिया भी उसका पार्ट बन गया, विजुअल स्पेशल और सोशल का, जिसको एक बड़ा नाम दे दिया गया जो इस अम्ब्रेला टर्म में था नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। अब इस नॉन वर्बल में वो तीनों मोटर भी प्रेक्सिया भी शामिल कर दिया गया है। नॉर्मली प्रेक्सिया को अलग से डिस्कस किया जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके बुक्स उसमें पे कर सकती है। इसके अलावा अब अगर कंक्लूजन निकालना हो क्या है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन में क्या क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है, रिसीव करना प्रोसेस करना और कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है तो वो इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है तो ये न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जब ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो डिस्टर्बेंस है वर्बल और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन की, वो इंटरप्रिटेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन है उसमें लिंक अच्छी तरह से स्थापित नहीं कर पाती, जो इंटेग्रेट कर सके उस सारी इंफॉर्मेशन को, इंटेग्रेशन करके वो इंफॉर्मेशन का राइट मीनिंग निकालना होता है। तो ये इंडिया में तो कॉमन है, हमारे बच्चे तो हमें तो स्कूल में पता ही नहीं चलता कि बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है भी या नहीं, लेकिन यूएसए में ये रिकॉग्निशन हो चुकी है। स्कूल एज के लर्निंग 4.3 बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड हैं, पर ये बात याद रखनी चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी की बाकी डिसेबिलिटी की तरह डिग्री होती है। इट मीन्स लो भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है, ठीक है तो ये डिपेंड करता है। लो और मॉडरेट वाले तो हमारे इंडिया में पहचाने ही जाते, सीवियर के लिए भी कौन बैठा है, शायद किसी प्राइवेट स्कूल में उसको आइडेंटिफाई किया जाता होगा। अगर 4.3% यूएसए में है तो इंडिया में मेरे ख्याल में इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हाँ जनरली आपको डायग्नोस करना है, अगर हमारे बच्चे में उसकी नंबर एक परफॉर्मेंस लो है किसी सब्जेक्ट या ज्यादा सब्जेक्ट में, उसका कोई कारण हो सकता है, वो कारण जो इधर वाले हैं हमने डिस्कस किए वो इनमें से कोई कारण हो सकता है, ये मेडिकल कॉज सिंपली दिखाई देते हैं। जब ये कॉज नहीं है
तो वो आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। और लर्निंग डिसेबिलिटी में भी ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो हैं रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग स्पोकन मोटर सभी में वो डिफिकल्टी फील करता होगा, वो एक में दो में या उससे ज्यादा में एक में या ज्यादा में डिफिकल्टी फील कर सकता है। उसको डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट टूल है इंटरव्यू पेरेंट्स की, ठीक है, चिल्ड्रन की। वैसे चेकलिस्ट दी हुई है एनसीईआरटी ने, वो चेकलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वही क्राइटेरिया जो पीछे है उनके सिम्टम डिस्कस करके आए हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखनी है। ये बात याद रखना है कि उसके लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं है, इसके लिए लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोस या टेस्ट करने के लिए कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। हाँ, मेडिकल हिस्ट्री देखी जा सकती है, वो कॉज हो सकता है, और उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री नेचुरली वो लो होगी, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ, कुछ टेस्ट बच्चे के अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे उसमें क्या क्रिएटिव पोटेंशियल है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, जैसे ईशान की क्रिएटिविटी लेवल कितना ज्यादा था, ठीक, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उसकी वीकनेसेस भी क्या है, ठीक, इससे एसोसिएशन बना सकते हैं। जनरली ये होता है कि जो लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन है वो नॉर्मल, इवन कई बार तो नॉर्मल से अबव क्रिएटिव या गिफ्टेड या इंटेलिजेंट होते हैं। तारे जमीन पर फिल्म में ये सारा डिटेल में बताते हैं, वो पर्सनैलिटीज के नाम लेते हैं, साइंटिस्ट के नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि उल्टी नाक दिखाई देती थी उसको, सेवन जो है वो एग्जांपल बड़ी अच्छी दी गई है। तो दिस वाज द लर्निंग डिसएबिलिटीज। अगर कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, इसके रिलेटेड नेक्स्ट जो होगा कि उन बच्चों की एजुकेशन क्या होगी और दूसरी टर्म से इनका डिफरेंस क्या है, अगर आप ऑर्डर करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।